सुमो भाई है ये कराटे बनाए पड़ते हो धारट कराट बच्चा के नहीं बनाया के दी तत्व का क्या बोलते हैं आधार कार्ड वही तो घुमाते हैं देखो ना कैसे घुमा रहे हैं काल बनी आज बनी करके हमला तो टोकन भी नहीं दे ये दे सील मार के दे ये दे और टोकन भी नहीं दी सो हाँ आज 5 बजे ले बैठे हैं तो नौकर थोड़ी ना बाप के हाँ हमन बना के दे तो नहीं दे कब बनेगा और कहाँ बन के आएगा बोल रहे हैं अब वही मन जाने हमला कुछ नहीं कहते आधार कार्ड बनाए बनाए कुछ भी जवाब नहीं दे हाँ मैं चांदनपुर से हूँ कितने बजे आए थे मैं सुबह 8 बजे आया था अभी तक नहीं बोला किस लिए आए हो ये आधार कार्ड बनाना आधार कार्ड बनाने के लिए अभी आवश्यकता क्यों पड़ रही है वो कार्ड का होगा ना उसमें नाम होगा नामकरण नहीं तो नाम कट जाएगा बच्चों का बोल दो कुछ नहीं बोलो ना क्या नाम है आपका मेरा राम कुमार देवांगन कौन से गांव से आए हो आप पीरदा से आया हूँ आप साथ में बच्चे लेके आए हो आधार कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या सुविधा हो रही है यहाँ तो पहली बात बहुत गर्मी भी है एक हम लोग सुबह 6 बजे से 5 बजे से आकर बैठे हैं ऑफिस को देख रहे हैं तो 12 बजे ऑफिस खोल रहा है तो क्या मतलब हमारा इतना बड़ा लाइन लगाने का सुबह से आने का ये सब ऐसी कर रहे हैं तो हमको बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है प्लस ये मतलब 28 तक 29 तारीख तक ही होगा उसके बाद हो नहीं सकता तो क्या करेंगे हम लोग आप किसके किसके साथ आए हो यहाँ पे मैं मेरे बच्चे और मेरी वाइफ आई है तो अभी तक कुछ खाया है आप लोगों ने नहीं नहीं कुछ नहीं खाया हम लोग सुबह से 6 बजे से आए एक पानी भी नहीं पिया हम लोग अभी बहुत गर्मी बच्चा बहुत रो रहा है मतलब कि अब पानी भी पीना मैं एक बार गया तो पानी भी यहाँ पर ठीक नहीं है साफ सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पर साफ सुथरा बच्चा क्यों रो रहा है बता ना कि हेलो गर्मी हो रहा है गर्मी हो रहा है इसे पता नहीं 9 बजे से 9 बजे से कितना प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोगों को यहाँ बहुत हो जा रहा मैं खुद आया हूँ भाई इनको वो तो तुम चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं नंबर उठवार कहाँ के अरे कि यहाँ क्या काम कर रहे हो बुलाए यहाँ मेरा नाम सिंहावल नाग है यहाँ क्या करने आए थे और क्या परेशानी आधार कार्ड बनाने के लिए आए थे सुबह से आए थे भैया अभी तक 12 बजे के आसपास आए आधार वाले उसके बाद लाइन में लगे हैं उसके बाद भीड़ में जो है ना पीछे वाले पहले आगे आ जा रहे हैं अपना जो बैग उठा के और बनाने लग रहे हैं मैं मेरी दी जीजा जी और भाषा हाँ पूरा काम छोड़ के आए हैं आज खेत दाना था जो है ना ट्रैक्टर लगा हुआ है उसको खेत को जुतवाने के लिए उसको छोड़ के आ गए हैं कि आज आधार कार्ड बनवाना है ही करके राशन कार्ड बन रहा है उसमें नाम जुड़वाना है ना इसलिए भाषा जी का आपका गाँव यहाँ से कितनी दूर पर है वही 25-30 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ से तो आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है हाँ उमस बहुत ज़्यादा है पानी के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे पानी के लिए टंकी है टंकी जाते हैं या फिर बॉटल खरीद के पी लेते हैं 5 रुपये 10 रुपये मैं ग्राम पंचायत चांदन से हूँ यहाँ आज आप क्यों आए थे मैं आज यहाँ आया हूँ और शुक्रवार से आ रहा हूँ 3 दिन रेगुलर आधार कार्ड बनाने के लिए अपने बच्चे का तो क्या परेशानी है यार 3 दिन से आपका आधार कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा ये शासन की अव्यवस्था का कारण है ये कैसी किस प्रकार की अव्यवस्था ये लोग सरकारी ठेके में काम कर रहे हैं 10 बजे आना चाहिए इनको 1-2 बजे जा रहे हैं ऊपर से कूपन बाई कूपन दे रहे हैं मेरे को शुक्रवार से कूपन मिला है और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है तो ऐसे आपके साथ कितने लोग हैं जिनको केवल कूपन मिला होगा कम से कम
उस दिन हम लोग 100 की संख्या में थे, 70 लोगों को उस दिन कूपन दिया है वो सामने वाला। और क्या कहा गया था, कब आपका आधार कार्ड का आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? आज का समय दिया था मेरे को, 1 बजे बुलाया था, मैं यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक पानी के सिवाय कुछ नहीं मिला है। मेरा गाँव यहाँ से 50-55 किलोमीटर की दूरी है। कौन से गाँव से? मैं चांदन से हूँ।